अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य सह मगध प्रमंडल कांग्रेस प्रवक्ता प्रोफेसर विजय कुमार मिठू बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष, किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष युगल किशोर सिंह, इंटक के प्रदेश सचिव अशोक सिंह, कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश महासचिव अमरजीत कुमार, जिला मुख्य संगठक टिंकू गिरी, कांग्रेस व्यवसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बबलू कुमार, कांग्रेस टेक्निकल सेल के अध्यक्ष अमित कुमार उर्फ रिंकू सिंह, विनोद उपाध्याय, जयप्रकाश यादव, जगदीश यादव, राजेश्वर पासवान, सुरेंद्र मांझी, श्रवण पासवान आदि ने कहा कि इस कोरोना वायरस महामारी संकट में देश के किसान डीएपी खाद 1200 रुपए बोरे की जगह 1900 रुपए बोरा, एनपीके 925 रुपए बोरा की जगह 1350 रुपए बोरा, डीजल 90 रुपए लीटर खरीदने को मजबूर हैं, जिसके जगह पर 2000 रुपए किसान सम्मान निधि योजना ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। नेताओं ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार एक ओर देश में किसान सम्मान निधि योजना का डंका बजा रही है तो दूसरी ओर देश के उर्वरक कंपनियों को सरकार के मिलने वाला प्रति बोरा सब्सिडी रकम को कम करने, कहीं दूसरी चीजों में पूरी तरह समाप्त करने से डीएपी एवं अन्य खादों का मूल्य आसमान छू रहा है। नेताओं ने कहा कि कोरोना वायरस में देश में महीनों दिन लॉकडाउन रहने के कारण किसान अपने अनाज को औने पौने दामों में बेचने को मजबूर है। धान, गेहूं तथा अन्य अनाज की खरीदी पैक्स द्वारा बहुत कम हुआ है। सरकार केवल कागज में इसकी खानापूर्ति कर देश के किसानों को गुमराह कर रही है। नेताओं ने कहा, देश के अन्नदाता किसान विगत कई महीने से किसान विरोधी कानून को वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार 11-12 दिखावा में किसानों से वार्ता कर कोई नतीजा नहीं निकला। किसान सरकार से कई बार कह चुके हैं कि हमें लिखित इस बात की गारंटी दें कि उपज का कोई भी अनाज देश के किसी कोने में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिकेगा, जिससे भी सरकार करने में असमर्थ है। अब इस कोरोना वायरस महामारी संकट में देश के उर्वरक कंपनियों को देने वाले राशि को काट कर किसानों में बीख देने का काम कर रही है। इस कोरोना वायरस संकट काल में देश के किसानों को जो केंद्र सरकार के द्वारा किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक किसान परिवार को 2000 रुपया जो मुहैया कराया गया है, वो किसानों के लिए इस कहावत को चरितार्थ करता है कि किसान के धोती से पगड़ी बांधने वाली बात, किसान के धोती खोल करके पगड़ी बनवाने का काम ये केंद्र सरकार किया है। ऐसी बातें इसलिए कही जा रही है कि आज किसान डीएपी खाद जो 1200 रुपये प्रति बैग खरीदते थे, वो उन्हें 1900 रुपये प्रति बैग खरीदना पड़ रहा है। साथ ही साथ फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब की पैकेटें जो 925 रुपये वो खरीदते थे, वो 1350 रुपये पैकेट खरीद रहे हैं। उसके बाद डीजल की महंगाई चरम पर है, डीजल 90 रुपये लीटर से ज़्यादा के दाम में खरीदा जा रहा है। तो ये जो किसान सम्मान निधि है का 2000 रुपया जो है, ये ऊंट के मुंह में जीरा के फोरन की तरह है। दूसरी ओर देश के किसान महीनों से अपनी जायज मांगों को लेकर के किसान विरोधी कानून को वापस कराने की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के कृषि मंत्री 12 बार उनसे वार्ता के नाम पर नौटंकी किए, कभी उनका समाधान नहीं निकला। आज किसान जो हमारे देश के हैं, वे केंद्र सरकार से एक चीज की लिखित गारंटी मांग रहे हैं कि सरकार जो धान, गेहूं या अन्य फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो फिक्स करता है, उस मूल्य पर हम कहीं भी अपने अनाज को पूरे देश में कहीं भी बेच सके, इसकी गारंटी दे। लेकिन आज तक केंद्र सरकार इसकी लिखित गारंटी नहीं दिया। 2000 रुपए से क्या होगा, मैं पूछना चाहता हूँ कि आज किसान अपने धान को 1200 से 1300 रुपए क्विंटल बेच दिए, जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 रुपए प्रति क्विंटल है। आज वो गेहूँ 1000-1200 का बेच रहे हैं, जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 2100 रुपये प्रति क्विंटल है। इसलिए अगर उनका अनाज सही दाम पर बिकता तो 2 क्विंटल अनाज में ही वे आसानी से 2000 रुपये कमा सकते हैं। इसलिए ये कृषि सम्मान निधि योजना किसानों के साथ क्रूर मजाक है। किसानों के मांगों को पूरा किया जाए, किसान विरोधी कानून को वापस किया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय देश।
किसान ही देश की आत्मा।